नमस्कार, आप देख रहे इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत। बीके न्यूज कन्नौज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज एक निजी कार्यक्रम में कन्नौज पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लेते हुए गंगा स्नान पर सवाल खड़े कर दिए। उन्हें योगी जी को गंगा स्नान करना नहीं आता, उन्हें पता नहीं कैसे गंगा स्नान किया जाता है। गंगा एक्सप्रेस पर कहा कि गंगा सफाई से ध्यान हटाने को लेकर उन्होंने गंगा एक्सप्रेस पर लाए और वह बीएसपी सरकार का प्रोजेक्ट जो फाइलों में दबा हुआ था उसकी धूल मिट्टी साफ कर बना गंगा एक्सप्रेस। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को उठाया सवाल जो बाबा जी हैं जानते ही नहीं लैपटॉप क्या चीज है। हमने उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटे। बहुत हो गया जात और धर्म में बांटना। बताओ एक्सप्रेस वे में कोई जाति दिखाई देती है? सब खुश होके निकल जाते हैं कि देखो क्या एक्सप्रेस वे बना है। और आप भी आसानी से जल्दी पहुंच जाते हो, जो बाहर के लोग हैं वो जल्दी पहुंच जाते हो। भैया भैया कन्नौज से कौन आ रहा, आप या भाभी? अरे दोनों में क्या फर्क पड़ता है, चुनाव चिन्ह तो साइकिल है। बंद करो भाई, पास अब कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बीजेपी ने जनता को धोखा दिया, जनता के सामने झूठे आंकड़े रखे थे। वो याद कीजिए, 15 लाख रुपए, बात तो 15 लाख रुपए देने की थी, बात तो नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की थी। शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया होता तो आज नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाते। इन नौजवानों को मोबाइल तो दे दिया है सपने देखने के लिए, लेकिन सपने पूरे करने का कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। समाजवादी लोग रास्ता निकालेंगे, इसलिए नौजवानों से भी हम अपील करेंगे, माताओं बहनों से भी अपील करेंगे और खासकर अपने किसान भाइयों से कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाइए, इन्होंने जनता को धोखा दिया है, सब काम रोक दिए। पिछले चुनाव में भाजपा ने पोस्टर क्या कहते हैं बाढ़ से आपको जो है आपकी जो नाकामियां थी उनको उजागर कर दिया। वही भाजपा, वही कानून व्यवस्था लचर है और भी तमाम चीजें क्या कहते हैं व्यवस्थाएं लचर है। आपका जो आगामी चुनाव है आप किस तरह से उसको जो है हैंडल करेंगे? एक भी राज नहीं बताएंगे। और देखिए हमारे काम को बताना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं ये जो एक्सप्रेस वे बना इससे बेहतर एक्सप्रेस वे कहीं उन्होंने देश में बनाया हो तो बता दें। और हम बता दें जितने लैपटॉप कन्नौज में बटे हैं किसी घर में जाके देख लीजिए, मोहल्ले में जाइए लैपटॉप है कि नहीं है, अगर उससे बड़ा लैपटॉप दिया हो तो बता दो। हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी हैं, वो लैपटॉप जानते नहीं है क्या चीज है, तो लैपटॉप मिलेगा कैसे? और वो डाटा है जो हमारे लोग बच्चे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, नौजवान इनको सपने तो देख ले रहे हैं लेकिन सपने पूरे करने का कोई रास्ता नहीं है। ये गंगा एक्सप्रेसवे की बात चल रही है योगी सरकार में, तो क्या लग रहा कि आप इस आप काली नदी जहाँ गंगा में मिल रही वो जगह देखाइए, क्या गंगा साफ हो गई? गंगा सफाई की नहीं, इसलिए गंगा सफाई से ध्यान हटाने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे ले आए। और ये गंगा एक्सप्रेस वे कौन सा है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो फाइल पे बना था उसी फाइल की मिट्टी हटा करके, धूल मिट्टी हटा करके ये मुख्यमंत्री जी बाहर ले आए कि ये एक्सप्रेस वे हम बनाएंगे। ठीक भाई, और ये तो ये समझिए ऊपर वाला तय करता है, भगवान तय करता है कि जिस दिन शादी है उसी दिन उनके यहाँ दुख भी आए एक दिन पहले। हाँ, तो दुख और शादी का कार्यक्रम एक साथ और पूरे परिवार के लोग एक साथ थे, हमें भी शामिल होना था लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से हम शामिल नहीं हो पाए, तो मैंने आज समय निकाल करके इनसे मिलने का मौका मिला परिवार से। और गुड्डू सक्सेना के बारे में यहाँ जितने समाजवादी लोग हैं वो सब जानते होंगे, यहाँ पर बैठे हुए पुराने कार्यकर्ता नेता और नए भी ये जानते होंगे कि नेताजी से जो संबंध जुड़ा था इनका, वही संबंध समाजवादियों से हमसे जुड़ा हुआ है। जो रिश्ता नेताजी ने बनाया था वही रिश्ता समाजवादियों ने, हम लोगों ने वही रिश्ता आगे लेकर के चलने का काम किया। और मैं ये नहीं कहता हूँ केवल इनके परिवार से, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं यहाँ पर कन्नौज में जिनका समाजवादियों से पुराना रिश्ता है, और यही समाजवादियों की ताकत रही है कि रिश्तों में कभी भी कोई उतार चढ़ाव रहा होगा लेकिन रिश्ते कभी समाजवादियों के खत्म नहीं हुए, वो रिश्ते और मजबूत हुए समय के हिसाब से। आज जब हम और आप लोग कन्नौज में बैठे हैं, हालांकि सरकार याद करे न करे लेकिन यहीं के सम्राट
हर्षवर्धन उन्हीं की देन है कि कुंभ आज भी उसी रूप में मनाया जा रहा है और कुंभ मेला लग रहा है। अभी जब मैं कुंभ गया था तो सबसे पहले राजा हर्षवर्धन उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाने का मुझे मौका मिला और वो इतिहास भी याद दिलाने का मौका मिला कि जो कुंभ का आयोजन उस जमाने में हुआ था वो लगातार उसी तरीके से होता चला आया है। यहाँ का इतिहास पुराना है, यहाँ के लोगों से रिश्ता बहुत पुराना समाजवादियों का है, जो रिश्ता जुड़ा हुआ है और हमें उम्मीद है ये रिश्ता इसी तरीके से समाजवादियों से जुड़ा रहेगा। सर, कुंभ के मेले से एक आवाज उठी थी, रंग और पुताई लगाने के बाद ये काम भी अपने नए बता रहे हैं कि ये काम उन्हीं के हैं। सर, राम मंदिर मुद्दा जो गरमाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, तो क्या लग रहा है इस पे, जो है आपकी क्या राय? कन्नौज तो ऐसा घर है या शहर ऐसा है, हर घर में मंदिर बने हुए हैं। कोई घर शायद ही मिले, हमारे गुड्डू भाई के भी यहाँ होगा मंदिर, मंदिर अंदर भी है बाहर, हमारे घर पे भी है, जितने पत्रकार हो सबके घर में है। लेकिन देश संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चलेगा, किसी को डरा के धमका के और नफरत फैला के नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे बचा ही नहीं कुछ। चुनाव आते मूर्ति का मामला फिर से गर्मा गया है, जिसके साथ आपने पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, फिर से उस मामले को गर्माया जा रहा है। कौन सा? ये हाथी वाला जांच अच्छी बात है, पहले कांग्रेस ने जांच कराई थी, अब बीजेपी ने भी जांच करा ली, अब तो चुनाव में जनता जांच करेगी इनकी। जिस प्रकार से बजट आया है तो क्या लग रहा है गठबंधन में कुछ जीत का फर्क पड़ेगा बजट से? बजट में है क्या, आपको कुछ मिला? जैसे श्रमिकों के लिए 3000 पेंशन और पेंशन है, श्रमिकों के लिए 3000 पेंशन की बात करी गई उसमें, और साथ में पेंशन कब मिलेगी? वो पेंशन कब मिलेगी? जब आपकी जेब से पैसा ले लिया जाएगा, जमा करेंगे तब पेंशन मिलेगी। और किसानों को जो दिया भी जा रहा है, आप किसान भाई से पूछिए क्या यूरिया पे और डीएपी पे नहीं 5-5 किलो निकाल लिया गया, कहाँ निकाल लिया गया? वो 45 भाई, ये बताओ 50 रुपए की बोरी मिलती थी 50 किलो की, अब 45 ही कर दी, और आप लोग दिखाते नहीं हो टीवी वालों पे, तो आपकी हिम्मत नहीं है दिखाने की। आपने कभी ये बताया कि 5 किलो बोरी से निकाल लिया गया है पिछले कई बरस से, आपको दिखाना चाहिए सब बातें, लेकिन मजबूरी है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप मालिक नहीं है। ठीक है, कि अभी बजट भी आया है, मामला कोर्ट में है, अभी भी बजट आया है, लोग और खासकर बीजेपी के लोगों ने ये कोशिश की कि जनता को और खासकर मिडिल क्लास को ये भरोसा दिला दें कि ये बजट उनके लिए है। लेकिन जैसे ही सुबह आंख खुली और सब आंकड़ों का आकलन हुआ, मैं समझता हूँ गरीब की भी आंख खुल गई और मध्यम वर्ग के लोगों की भी आंख खुल गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ऐसे हैं, खुली आंखों से धोखा देते हैं, पता नहीं कैसे आंकड़ों के जादू दिखाते हैं कि लोग उन पे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन इधर जो खेतों में सांड दिखाई दिए हैं या किसानों की जो तकलीफ है, अभी हम भी आ रहे थे गली से, वो तो अच्छा था कि रास्ता मिल गया, नहीं तो सांड ही ना आने देता आज। ये गठबंधन जब से हुआ है तो बीजेपी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया। ये समाजवादी लोगों ने एक नया रास्ता दिखाया था कि विकास का रूप क्या हो, ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि नया भारत बनाएंगे, क्या एक्सप्रेसवे बनने से नया भारत नहीं दिखता क्या? ये सब समाजवादियों की नकल हो रही है। याद कीजिए 500 रुपया समाजवादी पार्टी दे रही थी समाजवादी पेंशन, और इस बार तो 1000 रुपया मिलने लगता अगर समाजवादी सरकार होती तो, वही 500 रुपया और वही योजना के उसी तरह की योजना नकल करके, और बोरी से तो आप जानते होंगे खाद यूरिया और डीएपी कैसी चोरी हो रही है, गिरा दो ना। अगर चोरी का हिसाब निकाल लो, 5-5 किलो जो निकाल लिया गया और पैसा उतना ही रखा, दाम उतना ही रखा, अगर उसका हिसाब लगाओगे तो आपको महसूस होगा कि किसानों के साथ धोखा किया, और धोखा जो हुआ, जो पैसा इकट्ठा हुआ वही वापस कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। शायद ये मंडियां बन गई होती, इससे किसानों को ज्यादा लाभ पहुंच जाता। आज जरूरत है जो वादा किया था बीजेपी ने कि हम किसानों की आय बढ़ा देंगे, दोगुनी आय कर देंगे,
बताओ आलू के किसानों की कितनी आय हो गई, गेहूं की फसल आएगी बताओ कितना पैसा दे देंगे, धान में किसानों को लूट लिया और विदेशी तेल मंगा मंगा के सरसों के हमारे व्यापारियों का भी नुकसान कर दिया। पहले तो बहुत सनफ्लावर भी हो जाता था यहाँ, सूरजमुखी, पता नहीं सूरजमुखी के कीमत मिली कि नहीं मिली। आलू वालों की तकलीफ परेशानी वो जानते हैं। अभी सुनने में आया कि कन्नौज में एक बिजली वालों को करोड़ों का बिजली का बिल आ गया, 23 करोड़। वो तो थोड़ा मजबूत आदमी मुझे दिखाई दिया, कमजोर आदमी होता तो शायद पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता 23 करोड़ का बिल देख करके। कुछ सांडों ने भी अटैक किया है अभी, आप लोग भी संभल के चलना पत्रकार साथियों, सड़क पे बड़े सांड हैं, आप भी बचाओ फसल को और देश को बचाओ, यही हमें आपसे उम्मीद है। लेकिन ये बताओ, लोगों को नहीं मालूम, बताओ कन्नौज के दोनों में से कोई ना कोई आएगा, सब लोग पूछते हैं, नौजवान चाहेंगे, जनता चाहेगी, कोई भी लड़ लेगा, साइकिल चुनाव से कम ही रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।